हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 11। 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 11, 3 बन जा, 3 कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 2 बन जा, 2 और 3 बन जा, 11 बन जा, 11। ओके, देखते हैं पहले ऊपर नीचे कुछ डिवाइड हो रहा है क्या। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 बन जा 3, 2 से 11 नहीं होता तो ऐसे लिखेंगे, तो 2 बन जा, देखिएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2, 11 बन जा 11, 2 अपॉन 11। नेक्स्ट है बी पार्ट हमारे पास, गिव इन बी पार्ट, -14 अपॉन 15 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 16। सॉल्व करते हैं इसको, देख लीजिएगा सभी, -14 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 16। 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। 3 से हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 5 जा, और कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्या करें, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई, न्यूमेटर की न्यूमेटर से मल्टीप्लाई, डेनोमेटर की डेनोमेटर से मल्टीप्लाई। रिमेनिंग क्या है, 7 अपॉन 5 माइनस के 3 अपॉन 8, 7 3 जा माइनस के 21 और 5 8 जा 40, जीरो आंसर। सी पार्ट है हमारे पास, सी पार्ट देख लीजिएगा, माइनस के 17 अपॉन 3 मल्टीप्लाई माइनस के 21 अपॉन 85। माइनस माइनस प्लस हो गया, देख लीजिएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस के 3 माइनस के 21 अपॉन, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 17 बन जा 17, 17 5 जा 17 5 जा कितने बनते 85। ऐसे 3 से डिवाइड करते हैं इसको, 3 बन जा 3, 3 7 जा 21। तुम्हारे पास क्या बचा, यहाँ से तो बन बचा मल्टीप्लाई 7 अपॉन 5, 7 बन जा 7 और 5 बन जा 5। देखा, न्यूमेटर जब ग्रेटर देन होता है तो किस में कन्वर्ट करते हैं, होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें, 5 बन जा 5, 2 7 अपॉन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्या हमारे पास, आप इन सबको कर सकते हैं ऐसे ही सेल्फ। ओके, सेल्फ ऐसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को, डी पार्ट हो गया, एक और पार्ट देख लीजिएगा, ई देख लीजिएगा, ऐसा ई पार्ट क्या है हमारे पास, ई पार्ट गिवन है 3 अपॉन -8 मल्टीप्लाई बाय -8 अपॉन 12, माइनस माइनस 3 अपॉन -8 मल्टीप्लाई -8 अपॉन 12, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 8 बन जा 8, 3 4 जा 12 और 1 4 जा कितना हो गया 4, 1 1 जा 1, अब 1 4 जा 4, आंसर इज। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, SIMPLIFI। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास, गिवन है फर्स्ट पार्ट, -3 मल्टीप्लाई बाय 13 अपॉन 210 मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन 130। ओके, तो सॉल्व करना है, कैसे करेंगे सॉल्व बताइएगा, सेम कंडीशन वही है, डेनोमेटर से न्यूमेटर कट करेंगे या न्यूमेटर से डेनोमेटर को कट करेंगे, जो भी कट जाएंगे साइन मल्टीप्लाई का है तो उन्हें कट कर लेंगे, बाकी ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, देखते हैं कुछ किसी से कट रहा है क्या। सबसे पहले साइन कितने टाइम है, 1 1 2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21, 13 बन जा, जो बचा लिख लीजिएगा, जो रिमेन बचा है उसे लिखिएगा, 1 अपॉन 70 बचा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 10। कुछ और किसी से डिवाइड हो रखा है, देख लीजिएगा, 70 नहीं होता है, 3 से डिवाइड 10, 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो लिख दीजिएगा 3 बन जा 3 और 7 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 10 जा 70 और 1 0 ही है तो 70 या 700। ओके, किसी को प्रॉब्लम, अगेन देख लीजिएगा, हमने किससे डिवाइड करा, 3 से, 3 बन जा 3 हो गया, 1 आ गया, आप और 3 7 जा 21,
13 बन जाए 13, 13 टेन जा 110, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 3 बन जाए 3, और 70 टेन जा 700। ऐसे बी पार्ट देखिएगा इसका, बी पार्ट है हमारे पास 5 अपॉन माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 15 मल्टीप्लाई माइनस 18 अपॉन 12। ओके, इसको सॉल्व करना है हमें, देखिए कैसे करेंगे सॉल्व, हाउ टू सॉल्व। माइनस 5 अपॉन माइनस 9 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 15 मल्टीप्लाई माइनस 18 अपॉन 12। माइनस माइनस क्या हो गया, कितने टाइम है, 2 टाइम है, इवन टाइम है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 बन जाए 5, और 5 3 जा 15, 3 बन जा 3, 3 बन जा 6, 3 जा 18, 6 2 जा जो भी बचा हुआ है लिख लीजिएगा, 1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। अब 3 से कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 जा 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2, अब 1 बन जा 1 बन जा बताइएगा 1, और 2 3 जा 6 इज योर आंसर। किसी को प्रॉब्लम बेटा, नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर सी देखिएगा, ऐसा सी पार्ट क्या है हमारे पास, सी पार्ट की बिन है 5 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाय 33 अपॉन माइनस के 25 ब्रैकेट क्लोज माइनस 7 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 35 मल्टीप्लाई माइनस 26 अपॉन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। बोर्ड मास में हमने क्या बताया था, पहले ब्रैकेट बिफोर ब्रैकेट, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओके, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देख लीजिएगा, 5 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 33 अपॉन माइनस के 25 ओके, माइनस 7 अपॉन 13 मल्टीप्लाई बाय 11 अपॉन 35 मल्टीप्लाई माइनस 26 अपॉन 30। सॉल्व करते हैं, 5 बन जा 5 से 5 कट कर दे, 5 बन जा 5, 5 5 जा 20 माइनस के 11 बन जा 11, 11 3 जा तो 11 3 जा 33। इसमें देखिएगा 11 3 जा 33, 7 5 जा 35, और 13 बन जा 13, 13 2 जा 26 माइनस के 26 जो बचा है लिख लीजिएगा रिमेनिंग। देखिएगा यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 3 अपॉन माइनस 5 माइनस, यहाँ से 1 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई माइनस 2 अपॉन 3 लिखिएगा जो बचा हुआ है, 3 अपॉन माइनस 5 माइनस 1 2 जा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस ओके 2 आ गया, 5 3 जा एलसीएम कितना आया, ये माइनस कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जब माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 15। कितना आया एलसीएम 15, 3 माइनस के 5 3 जा और 2 15 बन जा, देख लीजिएगा हमारे पास क्या बचेगा, 3 3 जा माइनस के 9 प्लस 2 2 बन जा अपॉन 15, तो हमारे पास कितना आंसर आया बताइएगा, 9 में से 2 माइनस के 7 अपॉन 15 ओके, माइनस के 7 अपॉन 15। किसी को प्रॉब्लम, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है ओके। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा डी, इम्पोर्टेंट से क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई बहुत आते हैं आपके एग्जाम में, किसी भी क्लास में आ जाइएगा, सिंप्लीफाई के 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही हैं, इसलिए अच्छे से तैयार करेंगे बहुत बढ़िया से। किसी भी कंपटीशन में आ जाइए, कंपटीशन में भी आपके क्या आता है, सिंप्लीफाई के क्वेश्चन 1-2 मिल ही जाते हैं। डी पार्ट देखिएगा इसका, 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाई माइनस 15 अपॉन 21 प्लस माइनस 9 अपॉन 14 डिवाइड बाय 45 अपॉन 28 माइनस 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 12। दिस इज द गिवन क्वेश्चन, देन सॉल्व। मल्टीप्लाई के साइन है तो कट कर लेंगे आराम से, देख लीजिएगा, पहले ब्रैकेट ओपन करने होते हैं हमें अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं पहले,
क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इसको डिवाइड का साइन है तो क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाने को क्या करेंगे इसमें बताइएगा आप। जब भी डिवाइड का साइन हो और मल्टीप्लाई का साइन लगाना हो तो क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल कर ले, देखिए मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 45 अपॉन 28 था, 28 अपॉन 5, 28 अपॉन 45 कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया हमने इसको, माइनस 2 अपॉन 3 ऐसे रखा, 30 अपॉन 12 रखा। सॉल्व करते हैं इसको, 3 बन जाए 3, 3 7 जाए 21, 5 बन जाए 5, 5 3 जा इसमें आ जाएगी सेकंड ब्रैकेट में, 9 बन जा 9, 9 5 जा 14, बन जा 14, 14 2 जा 2, 6 जा 12, 3 10 जा 30। जो बचा हुआ लिखिएगा, 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 अपॉन 7 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 6, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 अपॉन 7 प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन 5 और प्लस माइनस माइनस 5 अपॉन, टेक द एलसीएम, तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा 7 5 एंड 3 का बताइएगा, 7 5 जा 35 या 3 5 जा 15, 15 7 जा 100, 5 अब किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 3 में बताइएगा आप, 15 से 7 की टेबल बढ़ेंगे 15 जाएगा, माइनस 2, 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 एंड 5 से करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3 से इसको 3 को सर्किल कर दो, जो बचा 35 बचा है हमारे पास, देखो इसको सर्किल कर देंगे पहले हम, तो 5 3 जा 15, 15 से मल्टीप्लाई कर दी, इस बार इसको सर्किल कर देंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, 21 से कर ली, इस बार इसको सर्किल कर लीजिए, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे, 15 3 जा 45, 21 2 जा 42 एंड 35 5 जा 5, 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 अपॉन 105, सारे माइनस के डिजिट है, सेम डिजिट है, सेम साइन है, तीन यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो क्या कर लेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, 5 टू 7 7 और 9, 5 टू 7 7 और 5, 12 इज टू 1 कैरी, ओके 7 1 8 8 4, 12 12 4, 16 इज 6 1 कैरी, 1 1 माइनस 262 अपॉन 105, अगेन देख लीजिएगा, 5 टू 7 7 5, 12 इज 2 1 कैरी, 7 1 8 8 4 12, 12 4 16, 16 6 1 कैरी, 1 1 2। अब इससे किस में कन्वर्ट करना होगा, होल फ्रैक्शन में, होल फ्रैक्शन के लिए क्या यूज करते हैं हम, डिवाइड यूज करते हैं, देख लीजिएगा किसको, 200 62 अपॉन 105, 10 बन जाए 10, 2 जाए 20, 2 5 जाए 10, 10 का 10 आ गया, 2 बन जाए 2, 2 6 वन सेवन फाइव और टू में से टू, तो कितना है हमारे पास, माइनस टू होल 52 अपॉन 100। ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।